हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पर। मैं कपिल शांडिल आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि आप सभी इस चीज़ से परिचित हो गए हैं कि हम सभी मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। हमारी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी केवीएस के पीआरटी कोर्स पर, और उस पे हमने वो काम कंप्लीट कर लिया है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स। हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है और उसकी क्लासेज जो है वो 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। केवीएस पीआरटी कोर्स टीम में ईवीएस कपिल संडिले यानी कि मैं करवाऊंगा, साइकोलॉजी गोविंद सर जो हमारे साइकोलॉजी के विजार्ड है वो करवाएंगे, उनके पास ग्रेट एक्सपीरियंस है इस बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी इंग्लिश बाय श्रीकांत सर, जिनको इंग्लिश टीचिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, और हिंदी सारिका मैम के द्वारा। ये पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया था कि हिंदी कौन करवाएगा, बच्चों की क्वेरी आई थी। हिंदी सारिका मैम करवाएंगे, रीजनिंग अमित सर एंड निखिल सर करवाएंगे, ठीक है यहाँ पर। और साइंस मैं ही करवाऊंगा यानी कि कपिल सांडिल्य, और कंप्यूटर ज्योति मैम करवाएंगी। तो ये हमारी टीम है, हम आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज ए रिस्पेक्ट जो है, इन्होंने मुझे कहा कि आप टीम लीडर बने ताकि कंटेंट पे जो है मैं निगरानी रख सकूं सभी कंटेंट पर, और उसको आप सबके बच्चों तक जो है पहले फिल्टर करके भेजा जाए, उसको देखा जाए कि अच्छे से तैयार हुआ है, ठीक है। डेली 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी जो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ ईवीएस और साइंस और इसके साथ साइकोलॉजी के नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेट दिए जाएंगे, और डाउट सेशन होंगे, थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगा। फिलहाल इसको 4 मंथ हमने मैक्सिमम रखा है, 3 मंथ का हमारा टारगेट है, 3 मंथ में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कंटेंट पे काम हो चुका है। तो वो कंटेंट पे काम होने के बाद हमें बस क्लासेस डिलीवर ही करनी होगी, इसलिए वो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और हमने इस चीज़ को अभी भी बरकरार रखा है, 450 स्टूडेंट के लिए हमने फ़ी को मिनिमम, बस कह सकते हैं कि नॉमिनल फ़ी रखी है 1499। इतने पे आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, आप हमारी ऐप पे जाकर इसको रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फ़ीस रखी है क्योंकि हमारे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और कुछ बच्चे बहुत फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत होती रहती है। तो वो बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए हमने ऐसी फ़ी रखी है कि उनको ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी ना रहे, ठीक है। तो अब हम इस फ़ी को रिवाइव करेंगे 1-2 दिन में, वो बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर ले, एनरोल कर ले। मतलब आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल भी कर लें, क्योंकि ये कंडीशंस जो है ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इन बच्चों को तो हम कभी नहीं छोड़ सकते, इन बच्चों के लिए हमें हम हमेशा तत्पर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों ने तो हमें इंस्पायर किया है कम बैक करने के लिए, तो इन बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इतने जो है प्राइस में इसको एनरोल कर लीजिए, वेट ना कीजिए, जल्दी कर लीजिए ताकि ये जो इसको रिवाइव करने से पहले आप इसका बेनिफिट ले सकें। वैलिडिटी 2 ईयर है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ कि कौन कौन हमारे टीचर हैं इस कोर्स के अंदर। केवीएस पीआरटी की जो कोर्स की टीम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, गोविंद सर हैं, वो साइकोलॉजी करवाते हैं, साइकोलॉजी करवाएंगे आप सभी को, आप उनसे पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप अच्छे से उनकी क्लासेज लेते रहे हैं, कुछ बच्चे क्रैश कोर्स से भी जुड़े हुए हैं और डीएसएससी पीआरटी कोर्स से भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत सर इंग्लिश करवाएंगे, बहुत ही बिजी शेड्यूल की वजह से वो उनकी क्लासेज अभी तक यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी, पर जल्द ही शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ईवीएस और साइंस करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ अमित सर और निखिल सर मिलकर आपको जो है रीजनिंग करवाएंगे, और गौरव सर और निखिल सर मिलकर आपको मैथ करवाएंगे। सारिका मैम, हमारे पास 3 फीमेल टीचर जो हमारी है, उनमें से सारिका मैम आपको हिंदी करवाएंगी। जो ज्योति मैम है वो कंप्यूटर का क्लासेज आप कर लेंगी, और नीरज मैम जो है वो आपको करंट अफेयर्स और जो नेसेसरी कुछ क्लासेज होंगी वो उनको करवाएंगी। जो डाउट क्लासेज होंगी वो मैं और नीरज मैम इकट्ठे ही लेंगे, दोनों एक साथ ही लेंगे जान का, तो ताकि आपकी क्वेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिजोल्व किया जा सके। एनरोल कर सकते हैं 50 स्टूडेंट के लिए हमने ये जो चीज़ रखी है। अब हम थोड़े से फीचर बता देते हैं कोर्स के, जो हमने पहले डिस्क्लोज नहीं किए थे, और मैंने कहा था कि जल्दी ही मैं एक वीडियो दूंगा और इसमें आपको फीचर बता देंगे। देखिए, एज पर केवीएस पैटर्न है, क्योंकि हमने टाइमिंग ऐसा रखा है कि केवीएस की वैकेंसी अगर आती है तो हमें अगर सिलेबस पैटर्न बदलता भी है तो उसको चेंज करने में और उसके लिए अलग क्लासेस देने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको सिलेबस बदलता है, अगर कुछ भी चेंज होता है, तो इसी कोर्स के अंदर आपको सिलेबस चेंज होने की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लासेज हैं, जो भी टॉपिक्स आपके जो है क्लासेज या टॉपिक्स होंगे वो आपको एश्योर्ड आपको दिए जाएंगे। उसके बाद पैटर्न चेंज होता है
पैटर्न का मतलब है कि वेटेज खत्म कम हो जाती है, उस हिसाब से क्लासेज जो है इस कोर्स के अंदर कर दी जाएंगी। लाइव क्लासेज होंगी, मतलब आप लाइव इंटरेक्शन करके अपने डाउट साथ साथ पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड वे में वो बाद में आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। आप लाइव नहीं ले सकते तो उसी दिन जैसे क्लास खत्म होती है वो रिकॉर्डेड में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डाउट सेशन रखे जाएंगे, स्पेशल डाउट सेशन, ठीक है। और उन डाउट सेशन में अगर आपको कई सारी क्लासेज में कोई डाउट हुआ है तो वो डाउट सेशन आपके जो है रिजोल्व किए जाएंगे, ताकि आपको रोज़ रोज़ मैसेज ना करने पड़े और रोज़ रोज़ आपको दिक्कत ना हो। आपको वीक का एक दिन दे दिया जाएगा और कुछ कहा जाएगा कि आप अपने डाउट रख सकते हैं, इकट्ठे कर लीजिए, अच्छे से समझ पाएंगे। ईवीएस के नोट्स आपको अपडेटेड नोट्स जो है वो दिए जाएंगे, क्रिस्प होंगे इस बार, ज़्यादा डिटेलिंग ना करके उनको क्रिस्प किया जाएगा टू द पॉइंट करके, ताकि टाइम कम लगे और मैक्सिमम फैक्ट इसमें इंक्लूड हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा और मेहनत ना करनी पड़े। साइंस के नोट्स आपको दिए जाएंगे और साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, तो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इन नोट्स को पढ़ेंगे, टाइम सेविंग होगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा क्वेरी करते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट आपने हम कहाँ से करें, तो मैं एक ही स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि थ्योरी थ्योरी क्लास के बाद क्वेश्चंस, यही एक तरीका है। आपको बार बार एक थ्योरी पढ़िए, एक रिवीजन दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी, यही तरीका है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आप सभी को यही बात एक फाइनल कह रहा हूँ कि वही बच्चे जो सिलेक्ट होना चाहते हैं वही बच्चे जुड़े, क्योंकि हम जो आपको एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में हम वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करवाएंगे आपसे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है? ज़्यादा पढ़ने से होता है, रिविजन से, क्वेश्चन सेट के रिविजन से, टेस्ट से, इनसे सिलेक्शन होता है। तो वही चीज़ें हम आपको करवाएंगे, तो वो बच्चे जुड़ें जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बस एक कोर्स ले लिया और पढ़े ही नहीं, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे कोर्स ले लेते हैं कई जगह पर, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही का होता है ना। वही कुछ बच्चे हमें चाहिए जिनको हम जो जो डेडिकेटेड हैं जॉब के लिए, वो बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो आप सभी को एक स्ट्रेटजी के साथ सब चीज़ें तैयार करवाई जाएगी, टॉपिक साथ साथ तैयार करवाए जाएंगे, सारे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। तो आपको मैथ के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, रीजनिंग के, इंग्लिश के और हिंदी के, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प करेंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और आप बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक जो आपका सिलेबस है वही टॉपिक के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। स्ट्रेटजी डिस्कशन सेशन होगा, बीच बीच में हम गूगल मीट करेंगे आप सभी के साथ, कोई प्रॉब्लम है उसको हम रिजोल्व करेंगे, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बस कोर्स लिया है लेकिन सर से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा है फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, कुछ टेस्ट आपको पहले भी दिए जा रहे हैं, अब बाकी सब्जेक्ट के फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और इस कोर्स की वैलिडिटी 2 ईयर रहेगी, 2 ईयर तक आप इसको कभी भी कितनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैकेंसी तो मैंने जैसे बताया है कि दिस ईयर केवीएस की वैकेंसी है, और हम आपको दुआ करते हैं कि कंट्रीब्यूट कर पाए आप सभी के इस प्रोसेस में। आप सभी बच्चों को मैक्सिमम बेस्ट देने की कोशिश होगी इस प्रोसेस में, जो ये लर्निंग प्रोसेस है इसमें आपको बेस्ट देने की, सबसे बेस्ट देने की कोशिश मैं करूँगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि क्वालिटी भी पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान देंगे। क्वांटिटी का मतलब है आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत रहेगी, वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, और ताकि आपको भटकना पड़े, और फिर बाद में टेस्ट सीरीज, जैसे हमारा कोर्स लॉन्च होता है हमारा अगला स्टेप टेस्ट सीरीज पे है, क्योंकि कोर्स का कंटेंट तैयार करने में बहुत जोर लगाया जा रहा था, टेस्ट सीरीज का कंटेंट जो है 10 टेस्ट का कंटेंट तैयार है, थोड़ा फॉन्ट की दिक्कत है, वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। तो आप सभी बच्चों को जो केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सभी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इग्नोरेंस नहीं होगी, जो इग्नोरेंस को मैं बहुत बुरा मानता हूँ, बच्चों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे ऑफलाइन के बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास के बच्चे होते हैं, ऐसे ही ये बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, अच्छे से बिहेव किया जाएगा। आप सभी बच्चों को मतलब वो फील नहीं होगा कि सर जो है जो कहते हैं वो नहीं करते, हम बिल्कुल वैसा ही माहौल लेके आएंगे, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं देखते हैं, वो जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, और कैसे आप सभी के लिए जो है सारी चीज़ें कोशिश की जाती है। आप बच्चे कमेंट करते हैं या बात करते हैं, कॉल करते हैं, हमेशा आपको जो है समय दिया जाता है, तो ये समय दिया जाएगा। तो ज़्यादा बच्चे बेशक ज्वाइन ना हो, लेकिन जितने ज्वाइन होंगे फिर वही बच्चे हमारे मेन हैं, ठीक है, वही बच्चे हमारे लिए मेन रहेंगे, हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है, हमें वही बच्चों की जरूरत है जो मेहनत करने वाले हैं और जो स्ट्रेटजी पे बिल्कुल मेहनती बच्चे हैं वो जुड़ जाए, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको कोर्स के फीचर पता चल गए हैं, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एनरोल के लिए जो अभी डिस्काउंटेड चल रहा है वो आप उसको रिवाइव करेंगे 199, क्योंकि ये वो उन बच्चों के लिए है जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, हमें मैसेज भी कर रहे थे कि केवीएस का कब लॉन्च कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए है।
इसको रिवाइव कर दिया जाएगा, और 10 मार्च के बाद जो इसकी फी होगी वो टीम डिसाइड करेगी। तो रिवाइव तो एक दो दिन में ही हो जाएगा, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने डिलीट कर दिए हैं तो वो बच्चे अगर एनरोल करते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे मेरे पे नंबर पर, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं उनको उस ग्रुप में डालता रहूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देने का समय आ गया है। आराधन का, मेहनत का उत्तर मेहनत से देंगे, और ऐसे फाइट करेंगे कि लोग देखते रह जाएं। जो बच्चे, जो लोग, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आई है कि उनको डिस्करेज किया जाता है रिलेटिव्स के द्वारा, कि केवीएस में इंटरव्यू में बड़ी फिक्सिंग चलती है। तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ, जब जिस दिन भी आपको डिस्करेज किया जाए, अगर कोई भी आपको डिस्करेज किया जा रहा है किसी भी पोस्ट के लिए, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर उसका बिहार में एज ए टीचर सिलेक्शन हो गया है, तो यही तो मैं कहता हूँ, तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन कहीं और हो रहा है, तो आपकी तैयारी सब जगह काम आती है। ठीक है, डे आपका अच्छा होता है तो आपकी वो तैयारी कहीं पे भी काम आ जाती है। अब जो टीचर आप सिलेक्ट हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, हमारे से जुड़े बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो आप सभी को इसलिए मैं कहता हूँ, सब जगह अप्लाई कीजिए। तो ये जो आपने खबर देखे, हमें जो वैल्यू दी है, हमारे लिए चीज़ जो है मैटर रखती है, तो आप सभी बच्चे डिस्करेज अगर आपको कोई करता है, आप सब जगह अप्लाई कीजिए। जॉब जो लगेगी आपकी मर्जी है, जो करनी है वो आपकी मर्जी है। अगर जिस दिन किसी ने आपको डिस्करेज कर दिया है, उस दिन आपका नियम बना लीजिए कि 2 गुना बढ़िए। जिस दिन आपने, आपका हौसला किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, उस दिन आप 2 गुना पढ़िए, देख लेना आप कभी नहीं हार पाओगे। ठीक है, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए ऐसे डिस्करेज का। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दीजिए। जय हिंद, जय भारत।